स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल पढ़ा था यूजिंग द माउस। तो आज हम लोग इस चैप्टर का सारी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोग अभी एक्सरसाइजेस की तरफ चले, ठीक है? हम लोग एक्सरसाइजेस की तरफ चलते, एक बार हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने पढ़ा क्या था, ठीक है? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसको एक बार देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ माउस के बारे में जाना था, और माउस के किस पार्ट का क्या काम है ये भी जाना था, और माउस पैड क्या होता है हम लोगों ने ये भी जाना था, ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, यूजिंग ऑफ माउस, माउस कैसा होता है, एक रैट की तरह होता है, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। माउस पैड क्या होता है ये जाना था, लेफ्ट बटन और राइट बटन का क्या काम है ये हमने जाना था, माउस पॉइंटर के बारे में भी हमने जाना था, और पॉइंटिंग के बारे में भी जाना था। क्या है पॉइंटिंग, जरा आप लोग बताइएगा। हाँ, क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को अगर हम लोग पॉइंट करते हैं पॉइंटर से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंटिंग कहेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने क्लिकिंग के बारे में जाना था। अगर हम लोग लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक करते हैं तो क्या होता है, क्लिकिंग होता है। अगर हम लोग लेफ्ट बटन से लगातार दो बार क्लिक करते हैं तो क्या होता है, डबल क्लिकिंग होता है। और अगर हम लोग राइट बटन को क्लिक करते हैं, अगर हम लोगों ने अपने राइट बटन को क्लिक किया माउस पे, तो वो क्या हो जाएगा, राइट क्लिकिंग हो जाएगा, ठीक है? फिर हम लोगों ने सेलेक्टिंग के बारे में देखा था। क्या देखा था सेलेक्टिंग के बारे में, क्या क्या होता है सेलेक्टिंग से? हम लोग सेलेक्ट जब भी करते हैं तो कलर चेंज होता है, ठीक है? सेलेक्ट क्यों करते हैं, हम लोग चीज़ों को देखने के लिए करते हैं, राइट? तो हम लोग पॉइंटर को कहीं भी ले जाके अगर क्लिक करके थोड़ा सा उसको ड्रैग करें तो हम लोग चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जरा ये देखिए, मैं देखिए अभी आपको एक सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने सेलेक्ट किया ना पार्ट्स ऑफ माउस, मैंने सेलेक्ट किया है ना, और क्या होता है सेलेक्ट करते ही कलर चेंज होता है। जैसे कि पार्ट्स ऑफ माउस में मैंने माउस को सेलेक्ट किया, बाकी पार्ट्स ऑफ को छोड़ दिया, तो क्या हो रहा है, माउस का कलर चेंज हो रहा है, बाकी सब वैसे ही है, ठीक है? अभी हम लोग आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है? हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कॉन्ट बी डन विद द माउस। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा एक्शन है जो कि हम लोग माउस से नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं माउस से, क्या हम लोग क्लिकिंग कर सकते हैं माउस से? हाँ, हम लोग माउस से क्लिकिंग कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, डबल क्लिकिंग कर सकते हैं, क्या होता है डबल क्लिकिंग? अगर हम लोग लेफ्ट बटन को दो बार प्रेस करें तो डबल क्लिकिंग कहेंगे, तो हाँ हम लोग माउस से डबल क्लिकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग स्पेसिंग कर सकते हैं माउस से, क्या हम लोग स्पेसिंग कर सकते हैं? नहीं, हम लोग माउस से स्पेसिंग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, स्पेसिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को स्पेसिंग में टिक करना होगा, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रेसिंग लेफ्ट माउस बटन क्विकली इज कॉल्ड, ठीक है? क्या पूछ रहा है, अगर हम लोग माउस के लेफ्ट बटन को क्विक बहुत ही तेजी में प्रेस करते हैं तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ठीक है? तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, क्या हम लोग इसको ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग कहेंगे? नहीं, हम लोग ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग नहीं कहेंगे। क्या हम लोग इसको क्लिकिंग कहेंगे? हाँ, हम लोग इसको क्लिकिंग कहेंगे। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना, कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर हम माउस के लेफ्ट बटन से कहीं भी क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, क्लिकिंग होता है, ठीक है? क्या आप में से मुझे कोई बताएगा, क्या राइट क्लिकिंग हम लोग इसको कह सकते हैं? नहीं, हम लोग राइट क्लिकिंग भी इसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है? अभी आगे चलते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है, हम लोगों को ऊपर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है? माउस पॉइंटर, बटन्स, रैट, हैंड और इनपुट, इन वर्ड्स को हम लोगों को सही जगह रखना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है, माउस इज यूज्ड फॉर, क्या पूछ रहा है, माउस इज यूज्ड फॉर, माउस किसके लिए यूज किया जाता है? हम लोग माउस को इनपुट के लिए यूज करते हैं, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, इनपुट लिखना है, ठीक है? माउस लुक्स लाइक अ डैश, इट इज हेल्ड बाय द डैश। तो हम लोग माउस को किस चीज की, माउस कैसा दिखता है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, माउस कैसा दिखता है, या आप लोगों ने देखा है माउस, माउस कैसा दिखता है, एक छोटे से चूहे जैसा दिखता है, ठीक है? और इसे हम लोग किस चीज से पकड़ते हैं, अपने हैंड से पकड़ते हैं, ठीक है?
तो हम लोग जरा मार्क कर ले, हम लोग मार्क कर ले कौन सा किसका आंसर है। चलिए हम लोग मार्क करते हैं, आंसर नंबर वन होगा इनपुट, आंसर नंबर टू होगा रैट, और टू का ही आंसर नंबर थ्री है हैंड। ठीक है, हम लोग हैंड को सेकंड थर्ड आंसर है। ठीक है, हम लोग आंसर नंबर टू है रैट, आंसर नंबर थ्री है हैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, द डायगोनल एरो ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर दैट मूव्स विद द माउस इज कॉल्ड। जो डायगोनल एरो हम लोग के स्क्रीन के साथ मूव करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो पॉइंटर आप देख रहे हो, मैं जिसको यहाँ मूव कर रहा हूँ, ये क्या है? इसको हम लोग माउस पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का फोर्थ आंसर क्या है? माउस पॉइंटर। क्या है फोर्थ आंसर? माउस पॉइंटर है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? देर आर टू डैश ऑन द माउस। हम लोग के माउस के ऊपर दो क्या रहते हैं? हम लोग के माउस के ऊपर दो क्या रहते हैं? देखिए हम लोग माउस के ऊपर दो क्या रहते हैं, एक सेकेंड, हम लोग के माउस के ऊपर दो क्या रहते हैं? हम लोग के माउस के ऊपर दो बटन्स रहते हैं, इसलिए सबसे लास्ट फिफ्थ आंसर कौन सा है? बटन्स। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अपने अपने बुक में आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग मैच द फॉलोइंग की तरफ चलते हैं। अगला अगला एक्सरसाइज क्या है? अगला है मैच द फॉलोइंग। कौन सा है? मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब ये देखिए मैंने कलर से यहाँ पे मैच कर रखा है, मैंने क्या कर रखा है? कलर से मैच कर रखा है। आप लोग अपने पेंसिल्स को लीजिएगा और उसको आप लोग मैच कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है? प्रेजेंटिंग एंड रिलीजिंग माउस बटन वंस। अगर हम लोग माउस के बटन को एक बार प्रेस करते हैं और छोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया था, उसको हम लोग क्लिकिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लिकिंग कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लिकिंग ट्वाइस क्विकली। अगर हम लोग माउस के बटन को दो बार लगातार तेजी में क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो डबल क्लिकिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लिकिंग विथ राइट माउस बटन। हम लोग माउस के राइट बटन से अगर क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? राइट क्लिकिंग हो जाएगा। ठीक है, चेंजिंग द कलर। अगर हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो उस पोर्शन का क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? सेलेक्टिंग कहेंगे। ठीक है, हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। हम लोग अभी नंबरिंग कर लेते हैं, कौन से किसको मैच करना है। नंबर वन कहाँ पे मैच हो रहा है? नंबर वन क्लिकिंग पे मैच हो रहा है। ठीक है, अगर क्लिकिंग ट्वाइस क्विकली क्विकली को हम लोग कहाँ से मैच कर रहे हैं? डबल क्लिकिंग से मैच कर रहे हैं। ठीक है, क्लिकिंग विथ राइट माउस बटन को हम लोग कहाँ से मैच कर रहे हैं? राइट क्लिकिंग से कर रहे हैं। ठीक है, चेंजिंग द कलर को हम लोग सेलेक्टिंग से मैच कर रहे हैं। हो गया, यहाँ पे आप नंबर्स भी देख पा रहे हो और यहाँ पे मैंने मैच भी कर दिया है, तो अब आप लोग खुद से देख के कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग आगे इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ें तो उसके बाद क्या कह रहा है हम लोग का? मार्क दिस स्टेटमेंट्स। क्या कह रहा है यहाँ पे? मार्क दिस स्टेटमेंट्स एज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, हम लोग को क्या करना है? जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है और जो गलत है उस पर हम लोगों को गलत का निशान लगाना है। ओके, तो हम लोग इसको करके देखें। ठीक है, करते हैं इसको। माउस इज यूज्ड बोथ फॉर इनपुट एंड आउटपुट। हम लोग माउस को दोनों इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं, क्या ये सही है? हाँ सही है, हम लोग इसको इनपुट के लिए यूज करते हैं लेकिन हम लोग इसको आउटपुट के लिए यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या है? ये गलत है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? वी कैन सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन बाय ब्रिंगिंग द माउस पॉइंटर ऑन इट एंड क्लिकिंग। हम लोग स्क्रीन पे किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे? माउस के पॉइंटर को लाके और उसको हम लोग क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ ये सही बात है। ठीक है, हम लोग जब भी माउस के पॉइंटर को कहीं पे ले जाके अगर क्लिक करते हैं तो वो चीज़ें सेलेक्ट हो जाती है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी कैन मूव द माउस पॉइंटर विद द हेल्प ऑफ एरो कीज। क्या हम लोग माउस के पॉइंटर को एरो कीज के मदद से मूव कर सकते हैं? एरो कीज कहाँ होता है? माउस में होता है या कीबोर्ड में होता है, पता है आपको? वेरी गुड,
माउस, ये जो माउस में एरो कीज नहीं होते हैं, एरो कीज कहाँ होते हैं, कीबोर्ड में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है, इसलिए हम लोग इस पे क्रॉस की निशान लगाएंगे, ठीक है। माउस पॉइंटर लुक्स लाइक अ रैट, माउस का जो पॉइंटर होता है वो रैट की तरह दिखता है, गलत है ये भी। क्यों, माउस रैट की तरह दिखता है, माउस जो है रैट की तरह दिखता है, माउस का पॉइंटर रैट की तरह नहीं दिखता है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है, इसलिए ये भी रॉन्ग है, इसको हम लोग रॉन्ग का स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद माउस इज मूव्ड ऑन माउस पैड बाय होल्डिंग इट बाय हैंड, माउस को हम लोग माउस पैड पे मूव करते हैं अपने हैंड से पकड़ के, सही बात है या गलत है, सही बात है। क्यों, हम लोग माउस को अपने हाथों से मूव करते हैं, कहाँ पे रख के मूव करते हैं, माउस पैड पे रख के मूव करते हैं, ठीक है। और हम लोग इसको कैसे पकड़ के मूव करते हैं, होल्डिंग इट बाय हैंड, हम लोग हाथों से इसको होल्ड करते हैं, होल्डिंग का मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक है। तो हम लोग इसको हाथों से पकड़ के मूव करते हैं, इसलिए ये क्या है, ये सही है, ठीक है। ये चीजें हो गई एक्सरसाइज, अब हम लोग आगे जाने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर, ठीक है। हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर्स को पूरा करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ऑरल क्वेश्चंस वाला है ना, हम लोगों का पहला कौन सा है, ऑरल क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं अभी, क्या कह रहा है, व्हाट इज क्लिकिंग, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज क्लिकिंग, ठीक है, व्हाट इज क्लिकिंग। तो हम लोग अभी देखेंगे आंसर क्या होगा इसका, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द माउस बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना, अगर हम लोग माउस के बटन को प्रेस करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, क्लिकिंग बन जाता है, ठीक है। तो प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द माउस, माउस लेफ्ट माउस बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग, ठीक है, बड़ा आसान है। हाँ, क्या है क्लिकिंग, व्हाट इज क्लिकिंग, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले, व्हाट इज डबल क्लिकिंग, व्हाट इज डबल क्लिकिंग, ठीक है। तो हम लोग ऊपर में अपने आप ही हमने देखा था ना, लेफ्ट माउस बटन को अगर हम लोग एक बार क्लिक करते हैं तो वो क्लिकिंग है, और एक बार और हमने पढ़ा क्या, दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा था, अगर हम लोग लेफ्ट बटन को, माउस के लेफ्ट बटन को दो बार क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, डबल क्लिकिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको भी देखते हैं आंसर क्या होगा इसका, कंटिन्यूअसली क्लिकिंग ऑफ लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस इज कॉल्ड डबल क्लिकिंग। कंटिन्यूअसली का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार, ठीक है, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होगा, कंटिन्यूअसली का क्या मतलब होगा, लगातार, ठीक है। मैं इसको आपके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या है, लगातार, कंटिन्यूअसली का क्या मतलब होता है, लगातार, ठीक है, कंटिन्यूअसली का क्या मतलब होता है, लगातार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, कंटिन्यूअसली क्लिकिंग ऑफ लेफ्ट बटन ट्वाइस इज डबल क्लिकिंग। अगर हम लोगों ने लेफ्ट बटन को दो बार लगातार क्लिक किया तो वो क्या हो जाएगा, डबल क्लिकिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग का ऑरल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपके बुक के एफ वाले सेक्शन में होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, इसको हम लोग पूरा कर ले, चलो इसको हम लोग पूरा करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज माउस पॉइंटर, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज माउस पॉइंटर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा द डायगोनल एरो ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड पॉइंटर। हमने आपको ऊपर बताया था ना क्या होता है डायगोनल एरो,
ये जो आप देख रहे हो, ये जिसको मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, ये क्या है? एक एरो है, डायगोनल है। डायगोनल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा तिरछा, ठीक है, थोड़ा सा वो टेढ़ा होता है। तो अगर जो टेढ़ा सा एरो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज, क्या पूछ रहा है? व्हाट इज माउस पॉइंटर? तो हम लोग क्या कहेंगे? डायगोनल एरो ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड माउस पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ड्रैगिंग, व्हाट इज ड्रैगिंग? अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंटर को ले जाके अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, इसको कहीं खींचता हूँ, तो क्या होता है? ये ड्रैगिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग इसी को ड्रैगिंग कहेंगे, ओके। तो हम लोग अभी इसके आंसर को देखते हैं, क्या होगा इसका आंसर? मूविंग माउस वाइल कीपिंग लेफ्ट बटन प्रेस्ड इज ड्रैगिंग। अगर हम लोग माउस को मूव करते हैं लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए, ये क्या कहलाएगा? ड्रैगिंग कहलाएगा, ठीक है। अगर हम लोग माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए कहीं पे भी मूव करते हैं तो वो ड्रैगिंग कहलाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज राइट क्लिकिंग? तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज राइट क्लिकिंग? हम लोग राइट क्लिकिंग के बारे में जानते हैं, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग व्हाइल प्रेस। हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज क्लिकिंग एंड राइट क्लिकिंग, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? व्हाट इज क्लिकिंग, ठीक है। तो क्या कह रहा है? क्लिकिंग का मतलब क्या है? प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग। अगर हम लोग माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके छोड़ देते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? माउस को क्लिक कर रहे हैं। व्हाइल प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द राइट माउस बटन इज कॉल्ड राइट क्लिकिंग, ठीक है। लेकिन अगर जब हम लोग माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे एक बार प्रेस करके छोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? राइट क्लिकिंग कहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर क्या मिला? प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग व्हाइल प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द राइट माउस बटन इज कॉल्ड राइट क्लिकिंग, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कल के होमवर्क को, कल का होमवर्क, ठीक है। कल जो हमने होमवर्क दिया था इसको हम लोग चेक कर ले एक बार, हम लोगों को आता है या नहीं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग अभी अपने कल वाले होमवर्क को देखने वाले हैं, राइट। कल वाले होमवर्क को हम लोग अभी देख लेते हैं। हम लोगों का होमवर्क क्या था कल का? ड्रॉ एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ माउस। तो हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया, अब हम लोग इसके पार्ट्स को लेबल कर लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट का क्या नाम है? इस पार्ट का नाम है केबल। क्या नाम है इस पार्ट का? केबल। क्या नाम है इस पार्ट का? केबल, ठीक है। ये जो पार्ट है ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना, ये जो पार्ट है हम लोगों का, ये जो पार्ट है बीच में, इसको हम लोगों ने ऊपर में आपको दिखाया था, इससे हम लोग क्या करते हैं? स्क्रोलिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? को हम लोग स्क्रोल बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्रोल बार, SCROLL, स्क्रॉल बार, सॉरी बार के बार, या हम लोग व्हील भी बोल सकते हैं, स्क्रॉलिंग व्हील, ठीक है। इसके बाद हम लोग के इस साइड में क्या है? इस साइड में हम लोगों का, ये हमारे किस हैंड के साइड में है? ये हम लोगों के राइट साइड में है। हम लोगों के सामने से अगर आप उधर से घुमा के माउस को अगर पकड़ते हैं तो ये हम लोगों का कौन सा साइड है? राइट साइड है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? राइट बटन, ठीक है। इस साइड दूसरा जो हम लोग का है एक और, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट बटन, ठीक है।
और ये जो पार्ट है यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग हाथों को रखते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हैंड रेस्ट कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैंड रेस्ट कहते हैं, ठीक है। ओके, हम लोगों का ये चैप्टर पूरा हो गया और कल हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आप लोगों का काम रहेगा कि आप लोग अगले चैप्टर को पढ़ के रखिएगा, ठीक है। अगला चैप्टर का नाम क्या है, आपके अगले चैप्टर का नाम है वेरियस यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो हम लोग कल अगले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेरियस यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।